बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ अली, केरला लाइन इंस्पेक्टर, और आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो। आज के इस वीडियो में हम जिस कानून को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, उसको वाज़ह करने की कोशिश करेंगे, वो भी बच्चों से मुतालिक है, और उसका नाम है आर्डिनेंस बराए कमसन बचगान नंबर 2022 का। ये 22वां नंबर कानून पास हुआ है, तो इस पर ज़रा हम आज डिस्कशन करेंगे कि इसमें बच्चों से मुतालिक कौन सी बातें हैं। आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि बच्चों से मुतालिक लोकल में दो कानून हैं, और इसके अलावा तजरत पाकिस्तान में भी बच्चों से मुतालिक जो जराइम हैं उनके लिए सेक्शन अपला वो मुकर्रर है। इससे पहले एक और कानून भी है जिसको चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 जो KPK ने बनाया है अपने लिए, तो ये भी बच्चों से मुतालिक है। KPK चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 का 13 नंबर कानून है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो कानून है उसमें जराइम का जिक्र है कि अगर बच्चे के ख़िलाफ़ कोई जुर्म कर लेता है, मिसाल के तौर पर उसको नशावर मशरूब पिला देता है, उसको जुअल खेलने पर मामूर करता है, बीक मांगने पर मामूर करता है, उसकी आज़ा की खरीदो फरोख्त करता है, उसके साथ बेरहमी करता है, उसको धोखा फरेब से ऐसी सरगर्मी में मुलविस करने की कोशिश करता है जो बच्चे के लिए मुनासिब ना हो, जिस्मानी तशद्दुद, तशद्दुद वो से उसमें दफात है, तो वो जराइम का एक चैप्टर है। जबकि ये जो कानून है आर्डिनेंस बराए कमसन बचगान, इसमें बच्चों को रियायती हकूक दिए गए हैं, रियायती हकूक, ठीक है, इसमें रियायत है बच्चे के लिए। अब ये कानून चेंज हो चुका है, कमसन बचगान एक्ट 2018, अब ये नया कानून 2018 में बना है। तो 2002 का जो कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चूँकि सिलेबस में है तो इसी को हम आगे लेकर जाएंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर जो कमसन बचगान एक्ट है 2018 वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम आगाज़ करते हैं दफ़ा 2 में जो डिफिनीशंस है इस कानून की, कमसन बचगान आर्डिनेंस 2000 की, तो उससे हम स्टार्ट लेते हैं। पहले नंबर पर इस तारीफ़ में है, तारीफात में बुरिस्टर इदारा, कि बुरिस्टर इदारा से क्या मुराद है। तो बुरिस्टर इदारे से ऐसा इदारा मुराद है जहां पर मुजरिम बच्चों को रोक कर रखा जाता है, ठीक है, ऐसे बच्चों को रोक कर रखा जाता है जिन्होंने जुर्म किया हो, और वहां पर उनकी तालीमी, जिस्मानी, जहनी लिहाज से वहाँ पर उनकी नशनुमा की जाती है, तो ऐसे इदारे को बुरिस्टर इदारा कहते हैं। ये कानून पूरे पाकिस्तान की सतह पर बना है, लेकिन यहाँ पर आगे आखिर में पढ़ेंगे कि कवायद बनाने के अख्तियार सूबाई गवर्नमेंट को हासिल है, तो इसी वजह से सूबाई गवर्नमेंट 2-3 महीने कबल उन्होंने फैसला किया था कि वो ये जो बुरिस्टर इदारे हैं वो ये पूरे KPK में बनाने का उन्होंने फैसला किया है, तो ये कवायद सूबाई गवर्नमेंट को दिए गए हैं, ठीक है। तो बुरिस्टर इदारे से यहाँ पर मुराद वह इदारा जहाँ पर मुजरिम बच्चों को रोक कर रखा जाता है, और उनकी तालीमी, जिस्मानी, जहनी लिहाज से उनकी नशनुमा की जाती है। इसके बाद है बच्चा, बच्चे से मुराद ऐसा शख्स जिसकी उम्र बवक्ते इर्तिकाब जुर्म 18 साल न हो, यानी जिस टाइम उसने जुर्म किया है उस वक़्त उसकी उम्र 18 साल से कम हो। यहाँ पर इसके 18 साल बौखत इर्तिकाबी जुर्म से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा 15 साल की उम्र में वो जुर्म कर लेता है, और फिर उसके बाद जुर्म करने के बाद रुफोश हो जाता है, और 10 साल बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस वक्त उसकी मजमूई जो उम्र है वो 25 साल होगी, जो कि बालिग के ज़िम्मे में आएगा। लेकिन
यहाँ पर बवक्त इरतिकाब जुर्म का माना भी यही है कि चूँकि जुर्म के वक्त उसकी उम्र जुवेनाइल था, नाबालिग था, तो उसके साथ बच्चों के तरह ही मामला किया जाएगा, उसका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में ही किया जाएगा वो कि अब वो 25 साल का है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसका मतलब है कि बवक्त इरतिकाब जुर्म बच्चे की जो उम्र है उसी तरह उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद है ज़ाब्ता। ज़ाब्ता से मुराद है ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में, जो कि अलहदा से एक सब्जेक्ट है, उसमें पुलिस के लिए और ज़ाब्ता ताजरात पाकिस्तान के लिए तरीक़ाकार वज़ा है कि किस तरह कार्रवाइयाँ की जाएगी। तो ये ज़ाब्ता फौजदारी में जो तरीक़ाकार वज़ा है यही तरीक़ाकार के मुताबिक आर्डिनेंस बराए कमिश्नर बजगान की कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएगी। अच्छा, इसके बाद है वली। वली से वालिदैन मुराद है, या अगर वालिदैन नहीं है जिसकी निगहदाश्त में बच्चा है तो वो भी यहाँ पर वली कहलाएगा। मिसाल के तौर पर उसके वालिदैन नहीं है, किसी रिश्तेदार के साथ वो रहायश पज़ीर है तो वो रिश्तेदार उसका वली कहलाए। अच्छा, इसके बाद है अदालत बराए कमीशन बजगान। अदालत बराए कमीशन बजगान से मुराद वो अदालत है जो इस कानून के दफा 4 के तहत कायम किया गया है, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दफा 4 के तहत जुवेनाइल कोर्ट्स का क़याम और उनकी जो प्रोसीजर है कार्रवाइयों में जुवेनाइल के मुकदमात में, वो दफा 4 में तफसीलन बयान हुए है, जो इंशाअल्लाह दफा 4 में फिर पढ़ेंगे। जुर्म से मुराद है हर वो फेल या तर्क फेल, हर वो फेल या तर्क फेल जो किसी भी कानून नाफिज़ुल वक़्त की रूह से काबिल सज़ा हो, तो ये जुर्म कहलाता है। यहाँ पर जुर्म की तारीफ दीगर कवानीन में भी है, जिस तरह दफा 4 CRPC में भी जुर्म की तारीफ की गई है, और वहाँ पर भी ये तारीफ़ है कि हर वो फेल या तर्क फेल जो किसी भी कानून नाफिजुल वक़्त की रूह से काबिल मुआखज़ा हो तो वो जुर्म कहलाएगा। इसके बाद जो अहम तारीफ है अफसर आजमाइश या प्रोबेशन अफसर भी उसको कहते हैं, तो ये अफसर आजमाइश कौन होगा, इसका काम क्या है, इसकी तैनाती किस तरह अमल में लाई जाती है, ये तमाम एक अहम टॉपिक है। इसी वजह से मेरी कोशिश है कि मैं प्रोबेशन अफसर के बारे में आपको स्टार्ट से समझाऊं। तो लिहाजा प्रोबेशन अफसर को समझने के लिए पहले हम एक और कानून को समझते हैं, जो है आर्डिनेंस आजमाइश मुजरिमान 1960। आर्डिनेंस आजमाइश मुजरिमान 1960 ये कानून ख़ास तौर पर प्रोबेशन अफसर के लिए बना है। इसके दफ़ा 12 में प्रोबेशन अफसर की तैनाती है, प्रोबेशन अफसर थ्रू CSS भर्ती किया जाता है, और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का जो सिलसिला है, का जो लिंक है, जो डिस्ट्रिक्ट में DCO तक पहुंचता है, तो ये DCO के अंडर मातहत रहकर काम करता है। इसके फ़राइज़ क्या होंगे, अगर किसी भी मुलज़िम को जिसने जुर्म किया है और उस पर वो साबित हो जाता है, मजिस्ट्रेट उसको महसूस करे कि इसको आम कैद देने की बजाय प्रोबेशन कैद वो देने का हुक्म जारी करे, तो ऐसे शख्स को फिर ज़मानत लेकर उसको प्रोबेशन अफसर के हवाले किया जाता है, और उसके लिए आयाम मुकर्रर किए जाते हैं कि इन इन आयाम पर, इन इन तारीखों पर आपने प्रोबेशन अफसर के साथ या फला दिन आपने उसके साथ हाजिरी लगानी है। तो बाकायदा उन्हीं दिनों को वो प्रोबेशन अफसर के पास वो मुजरिम वो आता रहता है और उसके साथ हाजिरी लगाता है। प्रोबेशन अफसर का काम है कि उसको तलकीन करता है, नसीहत करता है, और अगर इसके साथ वो बेरोज़गार है तो प्रोबेशन अफसर अगर मुमकिन है तो उसको रोज़गार मुहैया करने में भी रोल अदा कर सकता है, और उसके जो उसका जो रवैया है मुजरिम का उसके बारे में रिपोर्ट प्रोबेशन अफसर अपने जो इंचार्ज है दफ्तर का उसको प्रोवाइड करें। तो ये दफ़ा 13 में इसके फ़राइज़ है प्रोबेशन अफसर के, 12 में इसकी तैनाती है। अब बात आ जाती है कि कौन से सेक्शंस में प्रोबेशन कैद जारी की जा सकती है।
ताकि आपको पहले से पता हो। तो ये इसको समझने के लिए जो अफसर आर्डिनेंस आजमाइश मुजरिमान है 1960, इसका दफ 5 आपने समझना होगा। दफ 5 में मजिस्ट्रेट के इख्तियार है कि मजिस्ट्रेट कौन से मुकदमात में प्रोबेशन खेद जारी कर सकता है। तो मर्द की सूरतें में मर्द की सूरतों में अलहदा से सेक्शन है और औरत की सूरत में अलहदा। मर्द की सूरत में पहले जिक्र करते हैं, मर्द की सूरत में बाब 7 और बाब 8 हजरत पाकिस्तान, ठीक है, इसमें प्रोबेशन के जारी नहीं की जा सकती। अभी बाब 7 और 8 क्या है? तो बाब 7 ये जो हमारे अफवाज है बर्री बहरी या फिजाई, वो जो जराइम करते हैं अगर वो जुर्म कर लेते हैं तो इसमें इस चैप्टर में उनकी सेक्शन अपला है जो 131 से शुरू होकर 141 तक है, ठीक है। तो इनमें 131 से 141 तक जो सेक्शन है इसमें अदालत प्रोबेशन के पर मुजरिम को नहीं छोड़ सकती, ठीक है। इसके बाद बाब 8 है। बाब 8 में हमने आमा में खलल डालने की बात है इस चैप्टर में, जो 141 से स्टार्ट होकर 160 तक जो सेक्शन ऑफ लॉ है इस पर मुहित है। तो इन सेक्शंस में भी मजिस्ट्रेट प्रोबेशन के जारी नहीं कर सकता। इसके अलावा मज़ीद कुछ सेक्शंस है, 216 ए, 328, 382, 386, 387, 389, 392, 393, 397, 398, 399, 401, 402, 455, 457 या ऐसे दफात जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद मुकर्रर हो, तो मर्द की सूरत में इन दफात में मजिस्ट्रेट प्रोबेशन के जारी नहीं करेगा। इसके अलावा जितने भी पीपीसी के हजरत पाकिस्तान के दफात हैं या लोकल एंड स्पेशल लॉ के जितनी भी कवानीन है उसमें प्रोबेशन आर्डर जारी कर सकता है। अच्छा, इसके बाद औरत की सूरत में सिर्फ अगर औरत पर ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम है जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद मुकर्रर है तो उसमें प्रोबेशन कैद मजिस्ट्रेट जारी नहीं कर सकता। और इसके अलावा जितने भी दफात है पीपीसी के या लोकल स्पेशल लॉ के कवानीन के तो उसमें मजिस्ट्रेट मजाज है कि वो प्रोबेशन कैद पर बच्चे को छोड़ सकता है। तो ये प्रोबेशन अफसर के बारे में बुनियादी तौर पर ये उनके फ़राइज़ है, उसके लिए जो कानून है, ताकि आप समझ जाए इस बात पर। अब आते हैं इस तरफ कि प्रोबेशन कैद ये कितना होगा, ठीक है। ये भी आर्डिनेंस अफसर जो आजमाइश मुजरिमान है इसी की बात है। प्रोबेशन कैद 1 साल से लेकर 3 साल तक, ठीक है, 1 साल से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक मजिस्ट्रेट प्रोबेशन कैद जारी कर सकता है। और ये या तो बग़ैर जामिनों के उसको ज़मानत पर उसकी ज़ाती ज़मानत पर उसको प्रोबेशन अफसर को हवाला कर सकता है या जामिनान की ज़रूरत हो तो मजिस्ट्रेट का इख्तियार है। लेकिन जो ज़मानत वाले अशखास होंगे देने वाले तो वो उस इलाका के सकूनती होंगे। अब बात आती है प्रोबेशन अफसर की यहाँ पर क्या ड्यूटी है। ये तो ओवरऑल उसकी ड्यूटी है, किसी भी शख्स को, किसी भी औरत को, किसी भी मर्द को, किसी भी शख्स को प्रोबेशन कैद पर मुझे स्टेटस को हवाला कर सकता है। लेकिन इस कानून में उसकी क्या ड्यूटी है? तो यहाँ पर उसको इजाफी ड्यूटी दी गई है बच्चों से मुतालिक, जिसका जिक्र हम आगे दफ़ा 9 में करेंगे। इस कानून के कमसन बजगान का जो कानून है इसके दफ़ा 9 में इसके फ़राइज़ है कि ये क्या काम करेगा। जब इस प्रोबेशन अफसर को कोई इतला मिल जाए, इस एच ओ की तरफ से इसको इतला मिलेगी कि हमने बच्चे को गिरफ़्तार किया है, तो इसका काम है कि ये उस इलाके में जाएगा और बच्चे से मुतालिक डेटा कलेक्ट करेगा, बच्चे की वल्दियत, सकूनत, इलाका, कौन से स्कूल में पढ़ा है, रिश्तेदारान क्या 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 काम करते हैं, वालदेन वगैरह क्या क्या काम करते हैं, इसके किन दोस्तों के साथ रवाबित है, उस इलाके का जो जनरल माहौल है, तो ये तमाम डेटा इकट्ठी करके ये जो प्रोबेशन अफसर है ये उस रिपोर्ट को
उस मजिस्ट्रेट के पास भिजवाएगा जहाँ पर उस बच्चे की केस की ट्रायल होगी, ताकि उससे वो मदद हासिल कर सके। तो दफनों में इसके फ़राइज़ है बच्चे के मुतालिक, उसका डेटा कलेक्ट करने के मुतालिक, और आगे फिर कुछ और फ़राइज़ भी है जो आगे जब जाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपको मैं फर्दर समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये तारीफ़ात थी, उम्मीद है आप इन तारीफ़ात पर समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकायदा मज़ीद सेक्शंस के साथ मैं हाज़िर हूँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपने दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।